Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Vani. Hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई हैव कवर्ड द करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू मे 2024. एंड दिस पर्टिकुलर सेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रैकिंग अपकमिंग एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम्स जस्ट लाइक IBPS AFO, NABARD एग्जाम, UPSC, स्टेट PCS एग्जाम, IFCO, RRB बैंक एग्जाम, AAU एग्जाम. सो ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये इनको टारगेट करते हुए आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का वो बनाया गया है. इस वीडियो में हम जनवरी टू मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एंड डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. बात करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स की. तो जो हमारा पहला करंट अफेयर है दैट इज़ बाय नीति आयोग. नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, एक इंडेक्स जारी करता है. उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का जो इंडेक्स जारी करा है उसमें कौन सा स्टेट टॉप रैंक में है. तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है विच इंडियन स्टेट सिक्योर द फर्स्ट रैंक और फर्स्ट स्पॉट इन एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स. एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स में कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पर आया है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिफॉर्म इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग. ओके, नीति आयोग आपको पता है इसने क्या करा है, एक रिफॉर्म इंडेक्स जारी करा है एग्री मार्केटिंग यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या रिलेशन होता है. मतलब जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पैदा कर रहे हैं, आउटपुट में जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है उसको मार्केटिंग तक कैसे ले जाना है, मार्केटिंग कैसे करनी, उसके ऊपर एक रिफॉर्म एक इंडेक्स जारी करा है. तो फर्स्ट स्टेट जो है उसमें कौन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड लास्ट वन इज़ हरियाणा. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन दैट इज़ आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश जो है वो उसने टॉप रैंक हासिल करी है. अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है उसको देख लेते हैं. तो आंध्र प्रदेश जो है अटेन द टॉप पोजीशन और टॉप रैंक और उसका जो स्कोर आया है दैट इज़ 94 इन द एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स. जो नीति आयोग ने रिफॉर्म इंडेक्स जारी करा है उसमें आंध्र प्रदेश टॉप रैंक में है और स्कोर अगर पूछा जाए तो 94 उसका स्कोर होता है. सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके AFO के एग्ज़ाम्स जो होने वाला है 2024 में उसमें इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं कि नीति आयोग के जो रिफॉर्म इंडेक्स निकला था एग्रीकल्चर मार्केटिंग का उसके फर्स्ट स्टेट कौन सा था और ये भी पूछ सकते हैं कि उसका स्कोर कितना था. तो उसका आंध्र प्रदेश का जो स्कोर था दैट इज़ 94. नेक्स्ट करंट अफेयर रिलेटेड है एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल 2023. ओके, ये 2023 का है बट जो अभी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2024 में भी वहाँ पे भी ये क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है बिकॉज मिलेट का जो क्रेज़ है वो अभी स्टिल 2024 में भी बहुत चला था. तो मिलेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो हो सकता है वो आप भी चांसेस है कि वो आ सकता है. सो ये 2023 का है बट नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर ऑल्सो. क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द एशियन मिलेट फेस्टिवल 2023 करंटली बीइंग हेल्ड. तो ये 2023 में जो फेस्टिवल हुआ था एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल ये किस लोकेशन में हुआ था. ऑप्शंस आर जकार्ता इंडोनेशिया, कालूलंपुर मलेशिया, बैंकॉक थाईलैंड, मनीला फिलीपींस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट दैट इज जकार्ता इंडोनेशिया में ये फेस्टिवल हेल्ड हुआ था. इसका एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप कि एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया. कब हुआ था, ये हुआ था 22 नवंबर से 26 नवंबर 2023 में हुआ था. स्पेशली ये मिलेट्स के कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए हुआ था. नेक्स्ट वन, तो थर्ड जो करंट अफेयर है दैट इज़ अबाउट द नमो ड्रोन दीदी स्कीम. तो ये जो स्कीम आई थी रिसेंटली 2024 की स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी. इस स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव. ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका मेन प्राइमरी फोकस किस पे रहता है. तो ये आपके सामने है चार ऑप्शन. फर्स्ट है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट. सेकेंड है हेल्थ केयर सपोर्ट फॉर रूरल कम्युनिटीज़. नेक्स्ट एम्पावरिंग वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. लास्ट है प्रोवाइडिंग एजुकेशनल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन्स.
तो देखो नमो ड्रोन दीदी, दीदी से समझ में आ रहा है कि वुमेन्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट स्कीम है तो ये मेनली वुमेन्स एम्पावरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड, एम्पावरिंग वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो वुमेन्स क्या करती हैं, अपने क्लस्टर एक ग्रुप बना देती हैं, दैट इज़ नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और वहाँ पे हम वुमेन्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, तो ये स्कीम जो है इसी से रिलेटेड है। इसका एक छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हैं कि नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव जो लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उनका टारगेट है कि टोटल 15,000 वुमेन्स जो हैं, वुमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको टारगेट करते हुए उन्होंने क्या करा है कि जितने भी एग्रीकल्चर वुमेन्स होती उनको ड्रोन प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ड्रोन से वो क्या कर सकते हैं कि अपने एग्रीकल्चर के जो डे टू बाई डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको उसमें ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिगर में ड्रोन बना है, तो ये ड्रोन क्या कर सकता है, पेस्टिसाइड्स हो गए इन सब का स्प्रे करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि टाइम भी सेव हो, ठीक है, और वुमेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन करें, इससे उनका भी क्या होगा, वेलफेयर डेवलपमेंट हो सकता है। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ओवरऑल ये स्कीम है क्या, नमो ड्रोन दीदी की स्कीम, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये आती है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। अब ये जो मिनिस्ट्री है इसने क्या करा था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करा था किसके साथ, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के साथ साइन करा था, जिसके तहत ये ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च हो पाई है। लॉन्च हुई थी कब, डेट याद रखनी है तो 11th मार्च 2024 में ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी अंडर नारी सशक्तिकरण, जो आपको पता है सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम चलता है अंडर IERI दैट इज़ न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स याद रखने हैं नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में, सबसे पहले तो डेट याद रखने की कब लॉन्च हुई थी, ठीक है, किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुई, तो सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम जो कि न्यू दिल्ली में IERI के अंडर स्टार्ट हुआ था, और ये पूछा जाता है किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुई और उस मिनिस्ट्री ने किस कंपनी के साथ मेमोरेंडम साइन करा था, तो वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के साथ। तो ये था नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो कि एग्रीकल्चर वुमेन्स के लिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा वेलफेयर साबित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ोंग टर्मरिक, ये जो हल्दी है लकड़ोंग टर्मरिक एक पर्टिकुलर प्लेस की है और अभी रिसेंटली इसको GI टैग मिला है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि विच इंडियन स्टेट्स लकड़ोंग टर्मरिक रिसेंटली सिक्योर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग फॉर इट्स एक्सेप्शनल क्वालिटी। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं इस तरह से हल्दी का पेड़ होता है, नीचे हल्दी हो रही है, तो इस हल्दी की जो आपकी खासियत है कि इसका प्रॉपर येलोइश कलर और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं जो उस पर्टिकुलर लोकेशन में ही पाई जाती हैं, तो दैट इज़ वाई इसको GI टैग मिला है। तो ये लकड़ोंग टर्मरिक GI टैग जो है किस स्टेट का है, ऑप्शन हैं असम, कर्नाटक, मेघालय एंड केरला, करेक्ट आंसर इज मेघालय। तो याद रखना है लकड़ोंग हल्दी जो है ये मेघालय स्टेट की है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, मेघालय लकड़ोंग टर्मरिक नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल क्वालिटी हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड द GI टैग एज अनाउंस्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ ये मेन क्वेश्चन आपका सिंपल यही हो सकता है कि लकड़ोंग टर्मरिक को GI टैग मिला है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज़ द कल्टिवेटिंग बासमती वैरायटी। तो राइस में जो बासमती वैरायटीज़ होती हैं आप सबको पता है उसमें वो जानी जाती हैं अपने एक स्पेशल एरोमा के लिए, तो उनका जो कल्टीवेशन है उससे रिलेटेड एक करंट अफेयर सामने आया है। क्वेश्चन है यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI जो न्यू दिल्ली में है हैज़ डिमांडेड लीगल एक्शन अगेंस्ट विच कंट्री फॉर कल्टिवेटिंग बासमती राइस प्रोटेक्टेड इन इंडिया। मतलब कि क्या है कि जो IARI दिल्ली है उसने देखा कि बासमती राइस का जो एक कल्टिवेशन हो रहा है वो लीगल नहीं है, तो कौन सी कंट्री है जो लीगल कल्टीवेशन नहीं कर रही है, और IARI न्यू दिल्ली ने डिमांड करा है कि उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएं, तो वो कंट्री कौन सी है, ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। तो ये हमारी नेबर कंट्री है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो बासमती वैराइटीज़ हैं राइस की उसका कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं है, लीगल नहीं है, उस पर कुछ एक्शन लेने की बात हो रही है।
तो ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। मार्च 2024 इंडियन IRI जो दिल्ली में है, और लीगल एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर कल्टिवेटिंग इट्स इम्प्रूव बासमती राइस वैरायटी विदाउट ऑथराइजेशन। तो बिना ऑथराइजेशन के वो कल्टिवेट कर रहे हैं, तो बिना ऑथराइजेशन के कल्टिवेट करना अपने आप में लीगल प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ के बारे में बताया गया है कि द IRI हैज़ फाउंड दैट द वैराइटीज़ लाइक पूसा 1121 एंड 1509 बासमती आर ग्रोन इन पाकिस्तान अंडर न्यू नेम्स। यानी ये दो वैराइटीज़ हैं राइस की, जो बासमती राइस की वैराइटीज़ हैं, ये इनका इल्लीगल तरीके से कल्टीवेशन जो है पाकिस्तान कर रहा है, जिसके पास कोई अथॉराइजेशन या अथॉरिटी नहीं है, तो उस पर कुछ एक्शन लेने की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना, सिंपल इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री इल्लीगल तरीके से बासमती को कल्टिवेट कर रही है, दैट इज़ पाकिस्तान। कौन एक्शन ले रहा है, तो IRI न्यू दिल्ली ने एक्शन लेना है। कौन सी दो वैराइटीज़ हैं जिन पर वो कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो ये दो वैराइटीज़ के नाम भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नैनो यूरिया। तो ये नैनो यूरिया वैसे तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था, इफ्को ने इसको बनाया था नैनो यूरिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से टूल कह सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ से हमको मिला है, ठीक है। लेकिन इस पर हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, बिकॉज नैनो यूरिया की वजह से ईल्ड में डिक्लाइन, या कह सकते हैं कि जो ईल्ड है उसकी उपज में कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, तो दैट इज़ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अभी पूरा मामला क्या है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ 2 ईयर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ट्रायल डिस्कवर्ड पैडी एंड वीट हार्वेस्ट डिक्लाइंड। मतलब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2 साल तक एक ट्रायल लगाया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि पैडी और गेहूँ, ठीक है, तो पैडी यानी धान और जो गेहूं है उनकी जो उपज है हार्वेस्ट उनके बाद डिक्लाइन हुई है सब्सटेंशली फ्रॉम नैनो यूरिया यूजेज वर्सेस नॉर्मल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़। मतलब उन्होंने क्या करा था कि जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने 2 साल तक एक ट्रायल लगाया था पैडी पे और वीट पे, और उन्होंने कंपेयर करा था कि अगर हम नॉर्मल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालें तब जो ईल्ड आएगी, और नैनो यूरिया के यूज़ करने से जो ईल्ड आएगी वो कैसी आएगी। तो इस रिज़ल्ट में देखा गया कि जो नैनो यूरिया की वजह से जो ईल्ड आई थी वो डिक्लाइन हो रही थी, कम हो रही थी। अब नैनो यूरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इफ्को ने लॉन्च करा था 2021 में। इन्होंने क्या करा था, 500 ml बॉटल जो थे लेकर आए थे बॉटल एट दैट फॉर्म क्लेम्ड एंड कैन रिप्लेस एंटायर 45 kg यूरिया बैग। पहले क्या करते थे, 45 kg यूरिया बैग आता था, उसको रिप्लेस करके उन्होंने अपनी 500 ml की नैनो यूरिया की बॉटल जो है तैयार करी थी मार्केट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था कि डेवलपमेंट है नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या होता कि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और मिस्टर राजीव शिखा जो थे उन्होंने देखा कि ईल्ड जो है वो अगर नैनो यूरिया का यूज़ कर रहे हैं तो ईल्ड जो है डिक्लाइन हो रही है। इन केस ऑफ वीट 21% ईल्ड डिक्रीज देखने को मिला था, और राइस के केस में 13% ईल्ड जो है डिक्रीज देखने को मिली है। तो ये आप तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है उसमें ईल्ड डिक्लाइन हुई है, किन दो क्रॉप्स में देखने को मिली है, दैट इज़ वीट एंड राइस। किस यूनिवर्सिटी ने ट्रायल लगाया था, दैट इज़ PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकता है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना है, ठीक है, और कब से कब की तारीख याद रखनी है, डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ देख लेते हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, ये आप बताना कहाँ पर है, ठीक है। तो IIHR इज़ होस्टिंग अ 3-day नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर एट हिसागट्टा प्रिमिसेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु फ्रॉम March 5th to 7th 2024, ठीक है। तो सिंपल ये आपको ध्यान रखना है कि IIHR जो कि हिसारगट्टा बेंगलोर में एक जगह है, उन्होंने ही अपने वहाँ पे 5 to 7 March के बीच में 2024 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर को ऑर्गेनाइज़ करा। तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर किसने ऑर्गेनाइज़ करा था, किसने होस्ट करा था, दैट इज़ IIHR ने, और ये कहाँ पे हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। कब से हुआ था, सो 5th to 7th March 2024 में ये हेल्ड हुआ था। थीम भी इसका इंपॉर्टेंट बन जाता है, थीम क्या रहा था इस बार का,
तो उसका थीम आप देख सकते हैं, इसका थीम रहा था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लीड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जेन से मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन, तो आने वाली जो अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन है वो फुल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी और किस तरह से हॉर्टिकल्चर का यूज़ करके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते, तो इससे रिलेटेड इसका ये थीम रहा था। नेक्स्ट करंट अफेयर बनता है हमारा, एक इम्पॉर्टेंट काउ की ब्रीड है दैट इज़ पुनगा नूर काउ इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की बहुत ही फेमस काउ ब्रीड है। आप देख सकते हैं फिगर में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो किस तरह से इनको इनके साथ इन्होंने पिक्चर कैप्चर क्लिक कराई है, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फेड पनगनूर काउ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पनगनूर काउ जो है आप देख रहे हैं फिगर में ये है कहाँ की, तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट की है। अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसको अपने जो निवास स्थान है दिल्ली में उनका, वहाँ पे इनको लेकर आए थे स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ पोंगल और मकर संक्रांति फेस्टिवल। उसके बाद इसकी स्पेशलिटी ये है कि इंडिजीनियस है, ये हमारी देसी नस्ल में आती है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की है। ओरिजिन एंड फीचर की बात करें तो पनगनूर इज़ अ ड्वार्फ ब्रीड नेटिव टू पार्ट ऑफ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश रायसलम रीजन। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी, बट आपको ये याद रखना है कि यस, सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन सकता है कि पनगनूर जो है किस की ब्रीड है, तो पनगनूर इज़ अ ब्रीड ऑफ काउ, ड्वार्फ ब्रीड है, किस कहाँ की नेटिव है, तो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की नेटिव है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, दैट इज़ द इट इज़ वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट हम्ड कैटल। हम्ड कैटल क्या होती हैं, आपने देखा होगा हमारे जितनी भी देसी नस्ल की जो ब्रीड्स होती हैं उनके ऊपर ही हम्प बना होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं हम्प निकला होता है गाय के ऊपर से, तो ये हम्प कहलाता है जहाँ पे इनका फैट स्टोर होता है। तो जितनी भी देसी नस्ल है उनके पास हम्प होता है, और जो हमारी एग्जॉटिक होती हैं जो हमारे देश की नहीं होती हैं एग्जॉटिक ब्रीड्स, उन पर हम्प नहीं होता। ये एक थोड़ा सा फीचर है जिससे हम डिसाइड कर से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सी हमारी इंडिजीनियस है और कौन सी एग्जॉटिक है। तो याद रखना इंडिजीनियस में जिस गाय पे हम्प है उसमें सबसे शॉर्टेस्ट ब्रीड जो अब तक रिपोर्ट करी गई है दैट इज़ पनगनूर काउ ब्रीड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी रिसेंटली एक कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलरी हर्ब्स ये हेल्ड हुई थी, इसका सेवन्थ सेशन हुआ था, तो आप पॉइंट देख लेते हैं। द सेवन्थ सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स, तो जो भी हमारे स्पाइसेस होती हैं हर्ब्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक कमिटी सेशन हो रहा था, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था कोची में, कोची इज़ इन केरला, कोची केरला में ये हेल्ड हुआ था और ये सेवन्थ सेशन था। ड्यूरिंग दिस सेशन द कमिटी फाइनलाइज एंड रिकमेंडेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर 5 स्पीशीज स्पाइसेस, ओके, यानी इसमें 5 मसालों को उन्होंने काउंट करा था। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले तो ये जो कोडेक्स कमिटी थी इसका जिसका सेवन सेशन हुआ था ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो सेवन सेशन हुआ था कोची केरला में हेल्ड हुआ था, और यहाँ पे कितनी स्पीश कितनी मसालों को कितने स्पाइसेस को स्टैंडर्ड लेके चला था, तो 5 स्पाइसेस हैं जिनको हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड रिकमेंड करा था वहाँ की कमेटी ने, और 5 मसालों के नाम भी आपको याद रखने हैं, दैट इज़ ऑल स्पाइस, जूनिपर बेरीज, स्टार एनीस, टर्मरिक एंड कार्डमम, तो ये 5 स्पाइसेस थे जिनको इसमें कंसिडर करा था। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर बनता है दैट इज अबाउट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कहाँ पर है क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो आप सबको पता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, दैट इज़ अर्जुन मुंडा, तो उन्होंने प्लस ट्राइबल अफेयर्स जो हैं, ठीक है, अर्जुन मुंडा यहाँ पे नाम मेंशन भी है उनका, इन्होंने क्या करा था, इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा था कृषि भवन न्यू दिल्ली में, कब करा था, 8 मार्च 2024 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये हेल्ड कहाँ हुआ था, किसने ऑर्गेनाइज कराया था। आफ्टर दैट द सेंटर एम्स टू एम्पावर फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग देम विद इंफॉर्मेशन सर्विस एंड फैसिलिटीज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मेन काम जो था इस इनॉग्रेशन के पीछे वो ये था कि टेक्नोलॉजी से सबको अवगत कराने का, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड हो रही हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हुए, सबको उसके बारे में बताना, इन्फॉर्म करना,
ठीक है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स आर बीइंग सेट अप इन द 100 सिटीज़ इन द कंट्री एंड आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये भी याद रखना है कि 100 सिटीज़ में ये सेटअप होने के है, और इसको हम सिर्फ सेटअप करेंगे, डेवलप करेंगे, वो किसके तहत करेंगे, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत इसको हमें डेवलप करना है, ठीक है। बट द न्यूली डेवलप सेंटर्स एसोसिएटेड, हाँ ठीक है, तो ये मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। जितने भी कमांड और कंट्रोल सेंटर बन रहे हैं ये एग्रीकल्चर में भी इनका यूज़ होने वाला है, दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये थोड़ा छोटा सा है करंट अफेयर, यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अगेन IRI न्यू दिल्ली ने जो किया है रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू हाइल्डिंग वराइटीज़ ऑफ वीट। इन्होंने रिसेंटली गेहूँ की एक नई वराइटी और डेवलप करी, उस वराइटी का नाम है HD3386। तो ये याद रखना है HD3386 द वराइटी ऑफ वीट, जो कि किसने लॉन्च करी है, किसने इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज़ बाय दिल्ली। नेक्स्ट CDP सुरक्षा, CDP के सुरक्षा है क्या? सो CDP का फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। CDP का मतलब होता है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एक छोटा सा ग्रुप क्लस्टर बनाना और उसी का, उस पर्टिकुलर ग्रुप का ही डेवलपमेंट करना, उस प्रोग्राम्स को हम बोला गया है CDP सुरक्षा। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड CDP सुरक्षा टू डिस्ट्रीब्यूट सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि जो CDP प्रोग्राम चलाया गया है इसमें सब्सिडीज जो है वो किस फार्मर को दी गई हैं, तो दैट इज हॉर्टिकल्चर फार्मर। नेक्स्ट पॉइंट है, दे विल बूस्ट द ग्रोथ ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट नियरली 1/3 टू द एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो एग्रीकल्चर में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर का, उसको मद्देनज़र देखते हुए हॉर्टिकल्चर के जो फार्मर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए ये एक तरीका या एक स्कीम जो है वो लाई गई थी, CDP सुरक्षा। अब यहाँ पे CDP का फुल फॉर्म देख रहा है और सुरक्षा का फुल फॉर्म, दोनों की फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। CDP का मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा सुरक्षा का फुल फॉर्म क्या है, तो सुरक्षा स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, ठीक है। बहुत बड़ा फुल फॉर्म है, एज सच ही फुल फॉर्म लिखने को नहीं आएगा, लेकिन आप जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन है वो MCQs के फॉर्मेट में आते हैं, तो MCQs के हिसाब से आप इनको एक बार नज़र डाल लें कि क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, तो इतना काफ़ी होगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, द प्लेटफॉर्म विल अलाउ एन इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूल ऑफ सब्सिडीज टू द फार्मर्स इन देयर बैंक अकाउंट बाई यूटिलाइजिंग ई-रुपे वाउचर फ्रॉम द नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि जिन फार्मर्स के पास ई-रुपे वाउचर वाली होगा, तो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में जो भी सब्सिडीज़ में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या जितने भी पैसे उनको देने होंगे वो डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल याद रखना है कि CDP सुरक्षा बेसिकली डील करती है हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के साथ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज़ मुक्श बुदूजी राइस ऑफ जम्मू कश्मीर। ये क्या है, मुक्श बुदूजी राइस जो है जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस राइस हैं, देखते हैं आगे। साइंटिस्ट रिपोर्टेड दैट द एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मुक्श बुदूजी अरोमा। अब होता क्या है, जम्मू कश्मीर जैसी जो जगह है हम सबको पता है वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है मोस्टली टेम्परेट रीजन का है, ठीक है, ठंडा रहता है। तो वहाँ के लिए क्या होता है कि वहाँ पे कितनी एल्टीट्यूड है, क्या टेम्परेचर, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे जो कल्टीवेट हो रहा है मुक्श बुदूजी राइस उसका एरोमा कैसा रहना चाहिए। तो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करी है कि कितनी एल्टीट्यूड और कितने टेम्परेचर पर मुक्श बुदूजी का एरोमा परफेक्ट आता है। मुक्श बुदूजी जो राइस है वे बेसिकली एक शॉर्ट ड्वार्फ राइस होता है, शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक राइस ग्रोइंग इन हायर रीच्स ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर वैली में मेनली ये ग्रो होता है, छोटा होता है, बोल्ड होता है और एरोमेटिक है। याद रखना मुश्क बुदूजी राइस में जो एरोमा डेवलपमेंट हो रहा है, तो याद रखना ये एरोमेटिक है। इट पजेस अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ टेस्ट एरोमा एंड रिच ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। साइंटिस्ट कंडक्ट अ स्टडी ऑफ सिलेक्टेड लोकेशंस ऑफ द फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ मुश्क बुदूजी राइस यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी, ओके। अब साइंटिस्ट ने इसमें क्या करा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसका जो एरोमा है उसको टेस्ट करा है कि कैसा कैसा इसमें एरोमा या फ्लेवर है, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी
स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रिक नोज एक टेक्नोलॉजी आ रही है उसके तहत उसका यूज़ करके उन्होंने ये चीज़ें फाइंड करी हैं। बेस्ड ऑन दीज स्टडीज साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड 35 वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द मुश्क बुदुजी राइस सैंपल्स। ठीक है, तो याद रखना कि वैसे तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा क्वेश्चन अगर फ्रेम हो सकता है तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि मुश्क बुदुजी राइस जो है वो कौन से स्टेट में कल्टिवेट करा जाता है, दैट इज़ इन जम्मू कश्मीर। ये एरोमेटिक है या नहीं है, दैट इज़ येस, ये एरोमेटिक है। और साइंटिस्ट ने देखा है कि इसमें टोटल 35 वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एसिटिल 1 पायरोलिन 2 AP इज ऑल्सो नोन एरोमेटिक कंपाउंड फाउंड इन सम वराइटीज, बट इट वॉज प्रेजेंट ओनली इन मुश्क बुदुजी सैम्पल कलेक्ट फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड। तो ये भी याद रखना है कि जो हायर एल्टीट्यूड से हमने मुश्क बुदुजी राइस के जो कि एरोमेटिक राइस उसके सैम्पल्स में ये कंपाउंड पाया गया है, दैट इज एसिटाइल 1 पायरोलिन। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी वजह से इसमें एक बहुत ही अच्छा एरोमा प्रोड्यूस होता है। तो याद रखना मुश्क बुदुजी राइस में जो एरोमा आता है वो इस कंपाउंड की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज एसिटाइल 1 पायरोलिन। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको फार्म बोलते हैं। तो फार्म स्टैंड्स फॉर फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम क्या है इसके बारे में ज़रा देखते हैं। 7 कंट्रीज़, तो ध्यान रखना है 7 कंट्रीज़ जो हैं वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यूकेडर इंडिया अपना भारत भी है, केनिया, लॉस, फिलीपींस, यूरुगे एंड वियतनाम। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या करा था, दे हैव इनिशिएटेड अ प्रोग्राम, इन्होंने ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट करा है। तो अपने इंडिया के अलावा आप देख सकते हैं कौन सी बाकी 6 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये फार्म प्रोग्राम स्टार्ट करा है। तो फार्म प्रोग्राम का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। अब ये फार्म प्रोग्राम बेसिकली क्यों चलाया गया है, ये मेनली चलाया गया है एग्रीकल्चर में जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, टू एड्रेस अ पॉल्यूशन फ्रॉम पेस्टिसाइड एंड प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जितना भी पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये मेनली जो फार्म प्रोग्राम है उसको लिए बनाया गया है। 7 कंट्रीज़ ने इसमें अपना योगदान दिया है, तो 7 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू कॉम्बैट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो POPs यानी जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट होते हैं, यानी जो ऐसे पोल्यूटेंट्स जो ऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जाते हैं लेकिन वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनसे कॉम्बैक्ट करना। तो ये सारा जो प्रोग्राम है फार्म प्रोग्राम वो बेसिकली पोल्यूशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड प्रोग्राम चलाया गया है 7 कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस। तो ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस यानी दालों के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, द ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस अर्जेस इंडियाज टू ऑगमेंट प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो इंडिया में हुआ था ये, पल्सेस की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसको देख उसको इंक्रीज इन्हांस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हुआ था। द ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अपने इंडिया में ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। तो सिंपल यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में रिसेंटली अभी ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस 2024 हुई थी कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इंडिया इज एमिंग टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन पल्स बाय 2027। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2-3 फैक्ट आपके तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुई थी, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, ओके, 2024 में। और इंडिया चाहता है कि हम पल्सेस के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम अपने आप से ही जितना भी पल्स का उत्पाद कर रहे हैं वो उसमें हम सेल्फ सफिशिएंस हो जाएं। तो ये इंडिया जो अचीव करना चाहता है सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट, वो किस साल तक अचीव करना चाहता है, उसका टारगेट है 2027 है, ठीक है, 2027 तक वो अचीव करना चाहता है। फोकस ऑन एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन सप्लाई न्यू वराइटीज़ टू द सीड्स। और ये कैसे अचीव कर सकते हैं टारगेट, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को 2027 तक सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हो जाए, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि एक तो हम अपना कल्टीवेटिंग एरिया को इन्हांस कर दें, बढ़ा दें, यानी अगर हम इतने एरिया में पल्स ग्रो कर रहे हैं तो हमें पल्स का जो एरिया है वो इंक्रीज़ करना होगा, प्लस हमें ऐसी इंपॉर्टेंट इम्प्रूव नई सीड्स की वराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करना होगा जो कि जल्दी कम टाइम पर जल्दी से अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करें, कल्टीवेशन कंप्लीट करके उनसे हमें ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा ईल्ड अर्न हो। तो ये मेनली करंट अफेयर था अबाउट द ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस।
नेक्स्ट रिपोर्ट फिश डिसीज़ ऐप। तो अभी फ़िश डिसीज़ को एनालाइज करने के लिए एक ऐप आया है NSPAAD, ठीक है, नेस्पडा को बोल सकते हैं, नेस्पद। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिसीज़। तो ये जो नेस्पद है, नेस्पद प्रोजेक्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ मोबाइल ऐप। तो इसने क्या करा है, नेस्पद ने एक मोबाइल ऐप बनाया, उस ऐप का नाम है रिपोर्ट फिश डिसीज़ ऐप, ठीक है, टू ट्रैक एंड मॉनिटर द फिश डिसीज़ अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे आपका सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी हाल ही में रिपोर्ट फिश डिसीज़ ऐप को जो लॉन्च करा है वो किसने करा है, दैट इज़ नेस्पद ने। नेस्पद का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एंड एनिमल डिसीज़, ठीक है। तो मेनली फिश की डिसीज़ को ये एलोकेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए काम आता है। Here the next question is, by which year does India aims to end urea imports according to the Mansukh Mandaviya's plan? Okay, अब यहाँ पे बात करिए इस पर्सन की, मनसुख मांडविया कौन है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, ही इज़ दैट पर्सन। मनसुख मांडविया प्लान के अकॉर्डिंग किस साल जो है भारत का एम है कि वो यूरिया इम्पोर्ट्स को एंड कर देगा, ख़त्म कर देगा। मतलब जो हम यूरिया होता है, आप सबको पता होगा यूरिया क्या होता है। यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, ठीक है, जो हम क्रॉप्स में डालते हैं, ठीक है। अब ये यूरिया जो है हमें इंपोर्ट भी करना होता है, तो यूरिया इंपोर्ट्स को पूरी तरह से ख़त्म करना है अकॉर्डिंग टू मनसुख मांडविया प्लान। वो कौन से साल तक है जो हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। सबसे पहले मनसुख मांडविया कौन है तो ये जान लेते हैं। सो मनसुख मांडविया इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, ही इज़ दी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो जो हमारी इंडियन मिनिस्ट्रीज़ बनी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के जो मिनिस्ट्री है वो मनसुख मांडविया हैं। और मनसुख मांडविया प्लान के अकॉर्डिंग जो यूरिया इंपोर्ट्स हम एंड कर देगा इंडिया, वो करेगा 2025 में। 2025 इसका राइट आंसर है। इसकी थोड़ी डिटेल एक बार देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअल इसमें। इंडिया प्लान्स टू सीज यूरिया इंपोर्ट्स बाय 2025 एज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। मेनली यहाँ पे ये टारगेट करा गया है कि 2025 तक यूरिया का जो इंपोर्ट हम दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू करते हैं वो ख़त्म करा जाए और अपने खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी अपने इंडिया में रह के हम उसका खुद का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम किसी यूरिया से सिमिलर ही कोई दूसरा अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र है तो उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये टारगेट है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस द नेशंस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड यूरिया। इससे क्या होता है कि हम जो बाहर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं यूरिया, उस पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, हम उस पर कम डिपेंड रहेंगे, अपनी खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। करंटली फुलफिलिंग अबाउट 30% ऑफ इट्स एनुअल डिमांड। और अभी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क करा जा रहा है और 30% अपनी जो डिमांड है वो थोड़ा सक्सेसफुली कंट्रोल्ड में आ चुकी है। तो लेकिन 2025 तक ये टारगेट फुली अचीव हो जाएगा, हम बाहर से कोई भी यूरिया इम्पोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है दैट इज़ फिच इंस्टीट्यूशन रिलीज। ओके, ये एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, उस रिपोर्ट का जो टाइटल है दैट इज़ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स अ गाइड टू माइग्रेशन मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर। तो ये एक रिपोर्ट पेश करी है। ये रिपोर्ट जो है किसने पेश करी है, ऑप्शन है FAO, UNEP, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। करेक्ट आंसर आपके सामने है, दैट इज़ FAO। FAO मींस होता है, FAO के फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर है इटली रोम में, ठीक है। तो FAO के द्वारा ये सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म करके एक रिपोर्ट जो है पेश करी गई है। ये इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो ये कहता है कि जो रिपोर्ट है बेसिकली एग्रीकल्चर को टारगेट करते हुए ही बनाई गई है, ठीक है। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म पोजेज अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स इन अचीविंग 11 out of 17 सस्टेनेबल गोल्स। आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर का ही पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो टोटल सस्टेनेबल गोल्स होते हैं वो टोटल 17 होते हैं। 17 में से आउट ऑफ 11 जो है वो अचीव हो रहा है। उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है FAO ने जारी करी है। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स इन्वॉल्विंग मोर पावरफुल एंड ट्रबलिंग विंड दैट इन्फ्लुएंस नंबर न्यूमरस ऑफ स्मॉल
पार्टिकल्स टू सिग्निफिकेंट एल्टीट्यूड। आपको पता है डस्ट और स्टॉर्म्स क्या होती हैं, जो आंधी तूफान आता है ये एक मेट्रोलॉजिकल इवेंट होता है। डस्ट स्टॉर्म्स आंधी आने से क्या होता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है प्रभावित होती हैं, तो जिसके कारण अभी तक जो है 11 गोल्स के ऊपर चर्चा हो रही है कि 11 गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। तो इसमें सिंपल आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म करके रिपोर्ट है ये FAO ने जारी करी है। सस्टेनेबल गोल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये पूरा एक इमेज है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने होते हैं टोटल, तो 17 होते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं 17 होते हैं। फर्स्ट वन है नो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो हंगर, ये सब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं, टोटल 17 होते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी, वेयर इज़ द पूसा कृषि विज्ञान मेला बींग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कहाँ होस्ट हुआ है। तो पहली बार की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहली बार होस्ट हो रहा है। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला पहली बार कहाँ होस्ट हुआ था, ऑप्शन आर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, सिमडेगा। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा सिमडेगा। सिमडेगा जो है एक जगह है झारखंड के अंदर, वहाँ पे ये इवेंट जो है वो होस्ट हुआ था। ओके, आप इसका डिटेल देख सकते हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला एक नेशनल लेवल एग्रीकल्चर साइंस फेयर था, होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिमडेगा झारखंड। ओके, याद रखना है सिमडेगा आ सकता है। वैसे तो स्टेट वाइज अगर नाम पूछेंगे तो इट इज़ ईजी टू लर्न झारखंड, लेकिन झारखंड में भी पर्टिकुलर प्लेस इज सिमडेगा। This event is aimed to promote modern agriculture technologies and entrepreneurship among the farmers with participation of over 40 agriculture scientists. तो याद रखना कि इसमें 40 agriculture scientists ने participation करा था। इस मेले का जो main काम ये था कि agriculture में जो जो नई technologies आ रही हैं उनको promote करना, plus farmers के बीच में entrepreneurship को, entrepreneurship का मतलब होता है कि खुद के basis पे एक नया startup करना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा promote करने का काम हुआ है। और कृषि विज्ञान मेला सबसे पहली बार जो host हुआ है वो सिमडेगा झारखंड में हुआ है, ये important बन जाता है। Next आते हैं, which Indian state government has announced the distribution of free seed kit to boost millet production? तो कौन सा state है जिसने free में millets के जो बीज हैं उनको बांटा है, तो कौन सा state है वो, ताकि मिलेट्स का प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। तो मिलेट्स से रिलेटेड एक पूरी सीड किट आती है, बीज उसको बांटा है, तो वो स्टेट है पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र। ओके, करेक्ट आंसर इज़ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने मिलेट्स के जो सीड्स हैं उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा है अमंग फार्मर्स, ताकि मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ जाए। मिलेट्स क्या होते हैं आपको पता है, कोर्स सीरियल्स जो होते हैं हमारे, मोटे दानेदार जो सीरियल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉर्गम, सॉर्गम जो है किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स माना जाता है। सॉर्गम हो गया, बाजरा, परमलेट, ठीक है, ये सब हमारे मिलेट्स में आते हैं। तो इनके सीड्स को फ्री में बांटने का जो मुहिम छेड़ी है वो राजस्थान स्टेट ने स्टार्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सी वीट कल्टिवेशन रिसेंटली। तो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने सी वीट का कल्टिवेशन को अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रमोट करा है। सी वीट, ये आपकी फिगर है सामने, सी वीट क्या होता है, जैसे नाम है सी वीट, तो समुद्र के अंदर ही पाई जाती है वीट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये है तो एक वीड ही, बट इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं, तो दैट इज़ वाई हम इसको अपने मेडिसिन में और नॉर्मल अपने खाने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सी वीड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हाल ही में गुजरात के अंदर, राइट आंसर यहाँ पे होगा गुजरात। ठीक है, अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें सी वीट का कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा गया है कि सी वीट किस तरह से हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, उस चीज़ को प्रमोट करने पर यहाँ पर काम करा गया है। ठीक है, और सी वीट जो है आजकल सी वीट को बोला जाता है, इट इज़ नोन एज मेडिकल फूड ऑफ द 21st सेंचुरी। ये भी आप याद रखें, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मेडिकल फूड ऑफ 21st सेंचुरी के नाम से किसको जाना जा रहा है आजकल, तो सी वीट जो है वो 21st सेंचुरी का मेडिकल फूड है। ठीक है, औषधीय संबंधित खाना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सी वीट आप देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल ड्यूरिंग 2023-24 क्रॉप ईयर। तो 2023-24 के बीच में लेंटल्स का
सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कॉर्न है। लेंटिल आपको पता होगा, लेंटिल एक हमारी पल्स क्रॉप है। लेंटिल जो हमारी दलहनी फसलों में आती है, रबी सीजन की ये क्रॉप है। ओके, लेंटिल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मसूर, मसूर की दाल। ओके, दैट इज़। तो मसूर की दाल में सबसे ज़्यादा टॉप में अभी तो है वो फिलहाल हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया इज़ ऑन द ट्रैक टू बिकम द लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल 2023-24 क्रॉप ईयर ड्यू टू एक्सपेंडेड कल्टिवेशन। अभी हाल ही में क्या है, इसका जो कल्टिवेशन एरिया है वो बढ़ाया गया है। तो कल्टिवेशन एरिया बढ़ा है तो प्रोडक्शन भी इसका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की अगर हम बात करें, किन स्टेट्स में लेंटिल मसूर की दाल का कल्टीवेशन होता है, तो आपको पता है पल्सेस में ओवरऑल इंडिया में जो टॉप में रहते हैं एमपी है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्लोबली लेंटिल का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, आपको अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ही बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उनका नाम क्या है, दैट इज अर्जुन मुंडा। अभी प्रेजेंटली हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो अर्जुन मुंडा हैं। तो अभी देखा गया है कि अर्जुन मुंडा ने क्या करा है, स्टेट्स को बोला है कि वो कंडक्ट करें डिजिटल क्रॉप सर्वे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आस्क स्टेट्स टू कंडक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट करने को बोला है। तो आपको ये क्वेश्चन ये है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट कब से करना है। ऑप्शंस है जनवरी 2024, अप्रैल 2024, जुलाई 2024, इन सितंबर 2024। करेक्ट आंसर आपके सामने है ऑप्शन सी, दैट इज जुलाई 2024। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा ने बोला है कि जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो डिजिटल क्रॉप सर्वे को जुलाई 2024 में स्टार्ट कर दें। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ आप देख रहे होंगे, तो ये जून के महीने में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो आप इसको जब भी कभी देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जुलाई 2024 वो मंथ है, ठीक है, जब डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट होगा। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ जून के महीने में, तो जून के महीने में अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जुलाई अपकमिंग जो हमारा नेक्स्ट मंथ आने वाला है, जुलाई में ये स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। इसकी नीट क्यों पड़ी बेसिकली, क्योंकि जो इससे पहले प्रीवियस मैनुअली हम सर्वे कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता था, डिले हो जाता था। तो इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े इसलिए हम डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट होगा जुलाई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, डिजास्टर्स आप सबको पता है, फ्लड हो गया और ड्राउट आ गया, अर्थक्वेक, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो डिजास्टर्स होते हैं इनसे ऑटोमेटिकली हमारे एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी संबंधित एक रिपोर्ट जारी करी है, इस रिपोर्ट का टाइटल था, रिपोर्ट जारी किसने करी, तो अगेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एफएओ। एफएओ ने अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन डील करा था, डस्ट एंड स्टॉर्म, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म करके, ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक रिपोर्ट थी जो कि एफएओ ने जारी करी थी। और यहाँ पे जो है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ये वाली रिपोर्ट भी जो है एफएओ ने जारी करी है। इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वैरायटी का क्वेश्चन है कि पूसा शोभा, हाल ही में एक नई वैरायटी रिलीज हुई है, पूसा नाम लगा है आगे, तो आपको पता होगा पूसा वाली जो वैरायटीज़ होती हैं वो कौन रिलीज़ करता है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जिन वैरायटीज़ के आगे पूसा करके लगा होता है, जैसे पूसा, ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास हैं जिनमें पूसा लगा होता है, ठीक है, पूसा कंचन, पूसा कुछ भी, ठीक है, तो ये है पूसा शोभा। तो जिन वैरायटीज़ के आगे पूसा लगा होता है तो आपको बताना है कि वो वैरायटी कौन रिलीज़ करता है, कौन सी संस्था के द्वारा वो वैरायटी रिलीज़ होती हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आई होप जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है वो डेफिनेटली इसका आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे कि वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा वैरायटी रिलीज़ होती है और उनके नाम के आगे पूसा लगाया जाता है। तो वेल, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन ये है कि पूसा शोभा हाल ही में रिलीज वैरायटी जो है किसकी है, ऑप्शन है ब्रिंजल, अनियन, टोमेटो, पोटैटो। तो ये अनियन की वैरायटी है, या फिगर देख सकते हैं इसका, अनियन की वैरायटी है। स्पेशलिटी इसकी अगर हम बात करें, इसका इंपॉर्टेंट फीचर या सिग्निफिकेंस ये है कि ये डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। इसका मतलब ये कि अगर हम अनियन के स्लाइसेस काट कट कर लें, पतले पतले उनको ड्राई करें, तो डिहाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैरायटी बहुत ज़्यादा कमाल कर रही है। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी हैं, बहुत सारे विटामिन में रिच है,
ठीक है। पोटेशियम, विटामिन बी और विटामिन सी में भरपूर है, और इसका इन्हेंसिंग फ्लेवर भी आता है। मतलब क्या होता है कि जब हम अनियन को ड्राई करते हैं यूजली तो उसका फ्लेवर जो है लॉस हो जाता है, लेकिन जो दूसरा शोभा वैरायटी है अनियन की, ये डिहाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बेस्ट है क्योंकि ड्राई होने के बाद भी इसका जो फ्लेवर है, पंजेंसी, वो स्टिल रिमेन रहती है, बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बन पाया था, इसको मैंने ऐसा जो न्यूज़ है करंट अफेयर की उसको ही मैंने बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन हेडलाइन है दैट इज़ FSSAI अलर्ट्स कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। आप सबको पता होगा FSSAI अथॉरिटी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे मेंशन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो FSSAI है। उसने अभी हाल ही में देखा कि जितने भी हमारे फूड बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, जो फूड ट्रेडर्स होते हैं, जो फलों का व्यापार करते हैं, उनके ऊपर अभी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि वो जो फल को पकाने के लिए हार्मोन यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। आप सबको पता है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं हम इथाइलीन, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट्स के अंदर टोटल 5 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन एंड इथाइलीन। इथाइलीन एक इकलौता गैसियस हार्मोन है और ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ओके, नो डाउट। लेकिन फार्मर्स आजकल क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से फ्रूट्स की राइपनिंग कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। और ये जो राइपनिंग आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं उसमें वो इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, जो कैल्शियम कार्बाइड है यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में हेल्प करता है। एंड वंस इट इज़ आर्टिफिशियल प्रोसेस, इट मीन्स ये हार्म करेगा हमारी हेल्थ को। जो भी फ्रूट्स कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू आर्टिफिशियल तरीके से राइपन होते हैं, पकाया जाएगा, अगर वही फ्रूट्स हम खा लें तो आप सोचें कि हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट उसका हो सकता है। क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड अपने आप में एक केमिकल है जिसका कुछ ना कुछ रेसिड्यू बचेगा, और वो रेसिड्यू अगर हम फल खाएंगे तो हमारे अंदर भी जाके हमको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्पेशली ये अभी रिसेंटली जो मैंगो सीज़न हुआ है, अभी आप सबको पता है मैंगो मार्केट में आ चुके हैं, तो मैंगो सीज़न के दौरान इन्होंने कैल्शियम कार्बाइड का जो यूज़ है उसको रोक लगाई है। FSSAI स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स दिस प्रैक्टिस, ठीक है। FSSAI हैज़ कॉल्ड अपॉन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज टू रिमेन विजिलेंट एंड टेक डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट एनी वायोलेशंस ऑफ दीज रेगुलेशंस। मतलब अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, मतलब FSSAI के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई जाएगा तो उसको फिर उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। द अथॉरिटी अंडरलाइन द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड अ हाजार्डस केमिकल। तो यहाँ पे मेंशन है साफ साफ कि कैल्शियम कार्बाइड जो आर्टिफिशियल राइपनिंग हम यूज़ करें वो एक बहुत खतरनाक केमिकल है, पजेसेस सिग्निफिकेंट हेल्थ हजार्ड्स एंड डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपसे करंट अफेयर जो सिंपल क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा वो ये आएगा कि FSSAI ने हाल ही में किस केमिकल के ऊपर अलर्ट करा है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज़ हो रहा है, और ये स्टिल जो अभी मैंगो सीजन जा रहा है उसी में ये प्रैक्टिस को इन्होंने जारी करा है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है PAU बेस्ट एक्रेप अपॉर्ट। PAU क्या है, हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। आई होप कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे होंगे वो यहीं इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़रूर रहे होंगे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ही बेस्ट अमेजिंग यूनिवर्सिटी है, थोड़ी लग्जीरियस है नो डाउट, बट अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो होंगे वो इस यूनिवर्सिटी के भी होंगे या फिर यहाँ से पास आउट भी हुए होंगे, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए प्राउड मोमेंट है कि इसको बेस्ट एक्रेप अवार्ड मिला है। एक्रेप क्या होता है ये आप सबको पता होगा, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है कि एक्रेप का जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके वहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आपको दो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। पीछे मैंने आपसे पूछा था कि पूसा शोभा जो कि अनियन की वैरायटी है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि पूसा जिसके नाम के आगे होता है वो वैरायटी किस संस्था या किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज होती है वो आपको बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड क्वेश्चन कि एक्रिप का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके,
तो क्वेश्चन ठीक है, एक्रेप का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे भी हम करंट अफेयर देख रहे हैं कि पाओ में ऐसा क्या है कि उसको एक्रेप अवार्ड मिल गया। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एडजर्ज द बेस्ट अमंग 45 एक्रेप सेंटर्स स्पेशलाइजिंग इन राइस अक्रॉस इंडिया। स्पेशली इसको जो एक्रेप का अवार्ड मिला है वो पर्टिकुलर राइस कल्टिवेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिला है, मतलब राइस का जो सेंटर है उस पर मिला है और ओवरऑल भी इसको मिला है। यानी दो कैटेगरीज हमारे यहाँ पे सामने आ रही हैं, बेस्ट एक्रेप सेंटर फॉर राइस इकोनॉमी एंड सेकेंड वन इज़ बेस्ट एक्रेप सेंटर ओवरऑल। तो दो कैटेगरीज हो गई, एक तो राइस की कैटेगरीज में भी इसको एक्रेप में बेस्ट अवार्ड मिला है और दूसरा ओवरऑल एक्रेप कैटेगरीज में भी इसको बेस्ट अवार्ड मिला है। किसको? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में पढ़ती है इसको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डीडी किसान चैनल लॉन्च एआई एंकर्स। ओके, डीडी किसान चैनल आप सबको पता होगा, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो आप ज़रूर पता होगा, डीडी नेशनल जो है किसान चैनल लॉन्च हुआ था काफ़ी साल पहले, 2015 में ये चैनल स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है और पूरी तरह से फार्मर्स के लिए समर्पित है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी हाल ही में डीडी किसान चैनल ने अपने एआई एंकर्स को लॉन्च करा है। एआई एंकर, एआई का मतलब था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और एंकर्स तो आपको सबको पता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो डीडी किसान चैनल है उसने अपने दो एंकर्स रिलीज़ करे हैं, ठीक है। डीडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ का डिटेल क्या है, डीडी किसान टू लॉन्च टू एआई एंकर्स। तो यहाँ से आपसे सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है कि डीडी किसान चैनल ने एआई एंकर्स कितने लॉन्च करे हैं, तो दो, क्या रखें, दो एआई एंकर्स लॉन्च करें। उनके क्या क्या नाम हैं, उनके नाम भी रखे हैं, ठीक है। दो एआई एंकर्स के नाम है एआई क्रिश एंड एआई भूमि। तो यह फिगर देख सकते हैं, ये एआई क्रिश है, ये एआई भूमि है। ये उन्होंने लॉन्च करे थे 26 मई 2024 में, ठीक है। इसके बाद इनकी स्पेशलिटी क्या है इन एंकर्स की, तो दीज न्यूज़ एंकर्स आर कंप्यूटर्स, बेसिकली एआई है तो कंप्यूटर बेस्ड है, विच इज़ एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन। सो आप फिगर में देख सकते हैं ना, बिल्कुल इंसान की तरह लग रहे हैं ये, ठीक है तो कंप्यूटराइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके तैयार कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दिखने में इनका जो अपीयरेंस है वो ह्यूमन की तरह है। रदर देन दीज कैन वर्क लाइक अ ह्यूमन, और थोड़ा ये इंसान की तरह भी काम कर सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको प्रिपेयर करा है। दे कैन रीड न्यूज़ 24 आवर्स एंड 365 डेज विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड, ठीक है। दे कैन स्पीक इन 50 languages ऑफ द कंट्री एंड अबॉर्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी भाषाओं में ये बोल सकते हैं, तो 50 languages में ये जो है वार्तालाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, डीडी किसान इज द ओनली टीवी चैनल इन द कंट्री विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डेडिकेटेड टू फार्मर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ज़रूर याद रखना होगा कि डीडी किसान चैनल जो बना रखा है भारत सरकार ने बनाया है, और ये पहला ऐसा चैनल है भारत सरकार का। देखिए प्राइवेटली अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स आते हैं जो किसान के लिए होते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो हमारे भारत में चैनल चलाए गए हुए हैं डीडी किसान, और डीडी किसान जो है इकलौता टीवी चैनल है जो भारत सरकार ने चलाया है, जो कि फार्मर्स के लिए पूरा कंट्रीब्यूटेड है, डेडिकेटेड है। एंड द चैनल वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 मई 2015 में, ठीक है। तो 26 मई याद रख सकते हैं, 26 मई 2015 में ये चैनल बना था, और 26 को ही ये 2024 में ये दो एआई एंकर लॉन्च हुए थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि डीडी चैनल ने कितने एआई एंकर्स लॉन्च करें, तो आपका आंसर होगा दो एआई एंकर लॉन्च करें जिनके नाम है एआई क्रिश एंड एआई भूमि। कितने लैंग्वेजेस में ये बोल सकते हैं, तो 50 languages में ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पूछ सकते हैं कि डीडी किसान चैनल जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 26 मई 2015 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है दैट इज़, तो पहला यहाँ पे हम याली साइड देखते हैं, 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर। तो अभी आया नहीं है 2026, ठीक है, पर हमें करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अपकमिंग जो ईयर आने वाले हैं 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स एग्रीकल्चर बोला जाएगा। किसके द्वारा बोला गया है, ये एफएओ के द्वारा, ठीक है। एफएओ का हेडक्वार्टर है रोम इटली में, ठीक है। एफएओ जो होता है इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड नेशन वेलकम्स द रिजोल्यूशन अडॉप्ट टुडे बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली टू डिक्लेयर 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर
सिंपल यहाँ पे बोला जाएगा कि इंटरनेशनल 2026 को इंटरनेशनल ईयर किसका बोला गया है, तो वुमेन फार्मर का बोला गया, किसके द्वारा, एफएओ यूएन के द्वारा। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, अभी प्रेजेंटली तो हम जी रहे हैं 2024 में जी रहे हैं, तो 2024 किसका इंटरनेशनल ईयर है, तो दैट इज़ कैमेलिड्स। जो कैमेलिड्स होते हैं, कैमेलिड्स माने जो ऊँट होते हैं, उनका जो ईयर है वो अभी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप इसका डिटेल दे सकते हैं। ये जो फिगर है ये पूरी की पूरी मैंने एज सच अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब में पोस्ट भी करी थी, आपने देखा भी होगा पहले। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 2026 जो है वुमेन इन एग्रीकल्चर को समर्पित है, और 2024 जो प्रेजेंट चल रहा है वो कैमलेट्स का है। अब आगे चलते हैं, चिंता मैंगो वराइटी, तो ये भी हाल ही में रिलीज़ हुई है। चिंता एक मैंगो वराइटी है, ठीक है। अभी पीछे हमने पढ़ी थी वराइटी पूसा शोभा जो कि अनियन की वराइटी थी, चिंता भी रिसेंटली एक मैंगो वराइटी है। ये बहुत ज़्यादा चर्चित वराइटी है, क्यों है, क्या है इसकी स्पेशलिटी, वो हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये वो पर्सन है जिसने ये वराइटीज़ को डेवलप्ड करा है, ठीक है। इनकी फिगर है, ये आप साइड में देख सकते हैं इनकी इमेज। अब इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि चिंता मैंगो वराइटी में क्या है। ICAR सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है वैसे, नो डाउट, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपको पता होना चाहिए कि ICAR सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है हमारा अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इट फैसिलिटेट श्री चिंता हरण बिस्वा, तो ये पर्सन का नाम है, ये जो पर्सन है इनका नाम है चिंता हरण बिस्वा, ओके। आ प्रोग्रेसिव मैंगो फार्मर विद 100 मैंगो ट्रीज फ्रॉम शाहिद द्वीप एंड सपोर्टेड हिम इन रजिस्टरिंग हिज फार्मर्स वैरायटी चिंता मैंगो विद अ प्रोटेक्शन एंड ओके। अब मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ इसमें है क्या। तो होता क्या है कि जो सेंटर आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, वहाँ पे ये जो फार्मर है ये एक तरह का किसान ही है, ये मैंगो फार्मर है, ये कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं है जिसने वैरायटी डेवलप करी। मोस्टली इंडिया में क्या होता है, जो वैरायटी डेवलप हो रही है वो साइंटिस्ट लोग करते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अपनी लैब में टेस्ट करते रहते हैं बहुत सारे, तो तब जाके एक वैरायटी को रिलीज़ कर पाते हैं। लेकिन इस वैरायटी की स्पेशलिटी ये है कि ये मैंगो फार्मर ने खुद रिलीज़ करी है, तो इसलिए ये वैरायटी अपने आप में स्पेशल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस फार्मर का नाम पूछ सकते हैं सीधा सीधा कि चिंता मैंगो वैरायटी को रिलीज़ करने वाला जो फार्मर है उसका नाम क्या है। चिंता वैरायटी का नाम इसलिए है क्योंकि इस फार्मर का नाम ही चिंता है, दैट इज़ चिंता हरम बिस्वा, ठीक है। तो ये फार्मर का नाम है, प्रोग्रेसिव फार्मर है मैंगो का, उसने ये वैरायटी जो है रिलीज़ करी है, और इस वैरायटी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, रजिस्ट्रिंग हिज वैरायटी, इस फार्मर की जो चिंता वैरायटी है मैंगो की उसको रजिस्ट्रेशन किसके तहत मिला है, उसको रजिस्ट्रेशन मिला है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी न्यू दिल्ली के अंदर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPVFR, ठीक है। तो चिंता मैंगो वैरायटी जो है पहली फार्मर वैरायटी है जो मैंगो फार्मर ने रिलीज़ करी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किसके अंदर हुआ है, PPVFR न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो PPVFR के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती, लेकिन ये अमेजिंग एक नई वैरायटी आई है चिंता मैंगो जो PPVFR के अंदर रजिस्टर हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। PPVFR का फुल फॉर्म आप देख सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं, चिंता मैंगो इज़ द फर्स्ट मैंगो वैरायटी रजिस्टर्ड अंडर PPVFR, ठीक है, FRA अथॉरिटी। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही यहाँ बता रखा है PPVFRA की फुल फॉर्म क्या है, न्यू दिल्ली, और ये पहली मैंगो की वैरायटी है जो PPVFR में रजिस्टर्ड हुई है, दैट इज़ चिंता मैंगो, तो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर हिमांशु पाठक सेक्रेटरी टेयर एंड डायरेक्टर जनरल ICAR प्रेजेंटेड द सर्टिफिकेट टू श्री मिस्टर जो वैरायटी रिलीज हुई है बिस्वा ड्यूरिंग हिज रीसेंट विजिट टू द ICAR पोर्ट प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बन जाता है टॉपिक ये इसलिए बनता है क्योंकि ये पहली वैरायटी है मैंगो की जो PPVFR के अंदर रजिस्टर हुई है, ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे यहाँ बन सकता है। तो ये तो चिंता मैंगो से रिलेटेड वैरायटी के क्वेश्चन हो गए थे। उसके अलावा जितने भी करंट अफेयर्स थे जनवरी टू मई मंथ के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, उसको भी मैं कवर करूँगी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर में। जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स होंगी उसमें मैं कवर करूँगी इम्पॉर्टेंट डेज, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं फ्रॉम जनवरी टू
मई टू 2024। तो 2024 में जनवरी से लेकर मई के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड डेज आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जैसे फॉरेस्ट डे, वाटर डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है, मेटलॉजिकल डे, मिल्क डे गया है अभी रिसेंटली, इन्वायरमेंट डे अभी हमने सेलिब्रेट करा था 5 जून को। तो इन सब डेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद इट्स थीम। डेज़ और उनकी थीम क्या है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और यहाँ पे जो ये वाला वीडियो था इसमें मैंने मेजर जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स हैं, उनको डिस्कस करा है। तो अपकमिंग वीडियोस में हम डेज़ और उनकी थीम्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करके बताएं वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और वन मोर थिंग कि जो मैंने वीडियोस में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे तो याद हैं 2 क्वेश्चन, तो आपको भी याद होंगे पूसा वराइटीज़ कौन रिलीज करता है और एक्रिप का फुल फॉर्म क्या है, ये 2 चीज़ आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।